नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं स्वाति। अगली खबर में बात करते हैं सतना की, जहां गरीबों को उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए शासन प्रशासन ने शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का संचालन किया है, लेकिन इन दुकानों में आए दिन भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और चंद रुपयों की नौकरी करने वाले करोड़पति हो जाते हैं। अगर इन कर्मचारियों के बीच में कोई ईमानदार व्यक्ति भी काम करता है तो उसका जीना घूसखोर हराम कर देते हैं, जिसके बाद वह धरना प्रदर्शन करने के लिए विवश हो जाता है। ऐसा ही मामला सतना जिले के अमरपाटन तहसील के ताला थाना क्षेत्र से आया है, जहाँ का सेल्समैन संजीव द्विवेदी आमरण अनशन पर बैठा है। सेल्समैन ने आरोप लगाया है कि विगत 9 वर्षों से प्रबंधक राजेश तिवारी के द्वारा उसे परेशान किया जा रहा है, उसके ऊपर पैसे के लेन देन में झूठे आरोप में फंसा कर जांच कराई जाती है और पद से बाहर करा दिया जाता है। यहां तक कि पद में कार्यरत ना होने के बाद भी उसे निलंबित किया गया है। प्रबंधक राजेश त्रिपाठी को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में लोकायुक्त पुलिस पकड़ चुकी है, जिसका प्रकरण आज भी न्यायालय में विचाराधीन है। अवैध कमाई करने वाला सुमित प्रबंधक अब सेल्समैन को परेशान कर रहा है, जिससे दुखी होकर पीड़ित सेल्समैन बहोरन दास मंदिर प्रांगण ताला में धरने पर बैठ गया है, जिसकी सूचना पहले ही सेल्समैन के द्वारा पंचायत, ग्रामीण विकास, राज्यमंत्री, सहकारिता मंत्री, कलेक्टर, उपायुक्त सहकारिता, अनुविभागीय अधिकारी, अमरपाटन तहसीलदार, उप तहसील ताला अध्यक्ष, जनपद पंचायत प्रशासक, केंद्रीय बैंक शाखा अमरपाटन, थाना प्रभारी ताला के साथ मीडिया को दे चुका है। आइए आपको सुनाते हैं अनशन कर रहे संजीव द्विवेदी ने क्या कहा है। क्या नाम है आपका? संजीव द्विवेदी। कहाँ पदस्थ हैं आप? यही काला। अच्छा, तो अनशन किस लिए कर रहे हैं? वेतन दिया जा रहा मुझे। तो इसके अलावा क्या है कि राशन में भी गड़बड़ी करते रहते हैं प्रबंधक लोग। अच्छा, इसके पहले भी कर चुके हैं। सर तो फिर पिछली बार भी कुछ नहीं किया गया, मेरे खिलाफ कार्रवाई करके मुझे बाहर करा दिया गया। अभी अभी एक विक्रेता को भी बाहर कराए हैं। अच्छा, व्यवस्थित उसके ऊपर दबाव बनाया ऐसा कि मतलब उसको फिर अपना इस्तीफा ही लगाना पड़ गया। अच्छा, अब अभी अभी पिछले टाइम पे इनको पैसा दिया गया था मेरे द्वारा, उसका भी पैसे के रसीद ही नहीं मतलब मुझे प्रदान किया। पैसा आपने दिया था उनको? हाँ, मेरे पास पूरे कागज हैं। अच्छा, रसीद वगैरह मेरे पास सब उपलब्ध है। तो वो मान नहीं रहे हैं कि पैसा आपने दिया है? बोल रहे हैं देने के लिए तैयार नहीं है, एक दो बार जाँच हो चुकी है फिर भी पैसे नहीं दे रहे। SDM साहब ने भी इनको कहा वेतन देने के लिए, फिर भी वेतन नहीं दे रहे। कब से बैठे हैं आप? 18 तारीख से। अच्छा, तो खाना पीना कुछ खाते हैं? उस दिन खाया था 18 तारीख को। अच्छा, उसके बाद फिर नहीं, 18 तारीख जब से बैठ गया। तो कोई मिलने आया आपसे फिर? अब आज आए हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, विभाग से कोई नहीं आया? विभाग से कोई। अच्छा,